क्या लगा मलिक फैमिली में ट्रॉफी आसका है? आनी चाहिए। मैं तो डेली बिग बॉस देख रही हूँ, तो अरमान भैया बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब गेम को बहुत अच्छे से और मेंटेन करके। और कृतिका कैसे खेल रहे हैं आपकी नजर? बहुत अच्छा खेल रहे हैं मेरे भैया भाभी। क्या कुछ कहना चाहोगे अरमान और कृतिका मैम के लिए? भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और जीत पाऊंगे क्योंकि मेरे अरमान चाचू जीते, उनको वोट दे जैसे आप देते हैं। मम्मी अरमान भाई जरूर जीतेंगे। दुश्मन है ना भैया, हुआ गोला पर बिग बॉस वाले गोला पर भैया, वो भैया बिग बॉस वाले गोला से जब से जई भी दुश्मन वो बाहर आएगा, चाहे आ जाए चाहे कल आ जाए परसों, वो भैया सीधा हम अपने गोला पे लेके जाएंगे। कर दे स्टार्ट, कर दे। स्ट्रगल लाइव देख रहे सारे दर्शक ना सुखन रेड्डू की ओर से राम राम। फिलहाल भाई दिल्ली हाँ, और रेस्टोरेंट में काफी इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं, कैमरा मैन को घुमा के दिखा दे एक बार, काफी इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं जो अरमान मलिक और कृतिका को सपोर्ट करने आए हुए हैं। एक एक इन्फ्लुएंसर से हम रूबरू कराएंगे भाई, एक मिनट ना, एक एक इन्फ्लुएंसर से दूर। हाँ भाई राम राम भाई, जय माँ श्री शिष्य माँ का भाई। क्या कुछ कहना चाहोगे अरमान भाई को? भाई अरमान भाई के तो ये कहना चाहेंगे भाई जीत के ही आएगा। अच्छा फुल सपोर्ट है? फुल सपोर्ट है यार। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ भाई। दिल्ली से? अच्छा स्पेशल इन्वाइट किया गया आपको? इनवाइट भाई ऐसा किया गया, ये हमारे जानू भाई हैं। भाई खड़े हो एक बार, ये अरमान भाई। जानू भाई खड़े हो, ठीक हो? क्या कुछ कहना चाहोगे अरमान और कृतिका के बारे में? कैसा खेल रहे हैं भाई? देखो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, जितना हमने सोचा था उससे भी अच्छा खेल रहे हैं। और अच्छा इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो जो रियल है ना, जैसे हम उनको जानते हैं अंदर, सेम वैसे ही हैं वो, सेम ही खेल रहे हैं। उनको क्वेश्चन सामने से क्वेश्चन आता है, उनको सोचने की जरूरत नहीं है, रियल बंदा है, रियल खेल रहा है। अच्छा भाई क्या लगा मलिक फैमिली के घर में आसका है ट्रॉफी? ट्रॉफी भाई अरमान भाई की पक्की। आप पक्के दोस्त उसके हैं? भाई हैं अपने भाई। आप कहाँ से भाई? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से तो काफी इन्फ्लुएंसर आए, एक एक से मिलवाएंगे, ज्यादा टाइम ना लगाते, तो धीरे धीरे आ जाओ मेरे साथ। ये भाई इस चेहरे ने आप जानते हो गए पीके भाई, तो पीके भाई पर राम राम कर दो। राम राम भैया, ठीक हो? अरे भैया बहुत ठीक है, बताओ आप कैसे? अच्छा स्पेशल आए यहाँ पे अरमान और कृतिका को सपोर्ट करने, क्या कुछ कहना चाहोगे? भैया कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, जो कह रहे हैं भैया जो भी दुश्मन है ना भैया, हुआ गोला पर बिग बॉस वाले गोला पर भैया, वो भैया बिग बॉस वाले गोला से जब से जय भी दुश्मन वो बाहर आएगा, चाहे आज आए चाहे कल आए चाहे परसों आए, वो भैया सीधा हम अपने गोला पे लेके जाएंगे बस। अच्छा हम तो यही। क्या लगा मलिक फैमिली के घर में ट्रॉफी आज क्या हो? भैया आ सकती है भैया, क्यों नहीं आ सकती है भैया, पक्की बात है भैया, आ सकती है भैया, और क्या, भगवान साथ देगा हम साथ देंगे तो जरूर आएगी। आप कहाँ से भाई? भैया जी हम गुड़गांव से हैं। इतनी दूर से यहाँ स्पेशल आप सपोर्ट करने? दूर से छोड़ो भैया, अभी अभी तो बसे हम गुड़गांव वाले गोला पर, वैसे तो हम बहुत बड़ी दूर से हैं। अच्छा। और का अच्छा वो पीके वाली भाषा में क्या कुछ कहना चाहोगे अरमान भाई के लिए कृतिका में? अरे भाई तो किसी बात है भैया, वो तो भैया हमारे बड़े भाई हैं, और ठीक है कृतिका जी है ना भैया, वो भैया दीदी है, बहुत ही अच्छा भैया गेम खेल रही है, और भैया हम ऐसे ऐसा कह रहे हैं भाई जैसे वो गेम खेल रही है ना भैया, ऐसा गेम भैया हम खेल खेल के खो चुके हैं, और भाई जैसे वो बाहर आएंगे ना भैया बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है? और बता रहे भैया ट्रॉफी अपने हाथ में है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और इस साइड भाई अंगड़ाई तोड़ने लग रहा है पहलवान भाई, मम्मी बोलने वाला किंग भाई, भाई एक बार राम राम कर दो। राम राम सस्ती लैंग्वेज मार दो, अरमान भाई जीते हैं नहीं जीते हैं मम्मी बता दो। मम्मी अरमान भाई जरूर जीतेंगे, और भाई के साथ मैं पूरी सपोर्ट है भाई को, भाई जीतेंगे जीतेंगे। क्या बात है, स्पेशल आए भाई जी, क्या कुछ कहना चाहो पायल मैम के लिए कृतिका मैम के लिए? पायल भाभी है हमारी, कृतिका भी भाभी है हमारी, और उनको भी पूरी सपोर्ट है, कृतिका भाभी को भी हम सपोर्ट है पूरी, दोनों जानों को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों में से ट्रॉफी कोई भी ले आए, ट्रॉफी आनी तो घर पे ही अपने बातचीत कराऊंगे। इस साइड आ जाओ मेरे साथ, कैमरा मैन ने कहूंगा तो भाई एक छोटा सा लड़का आया है। आ भाई कैसे हो? कैसे आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? आ नहीं सकते क्या? आ तो सकते, क्या कुछ प्रोग्राम आज? आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे अरमान चाचू जीते, उनको जा रहे हैं वोट दे जैसे आप देते हैं, दम लगा के वोट दे, मेरे चाचू जीत के आएंगे और ट्रॉफी वो लेके आएंगे, मैंने कह दिया तो कह दिया। आपके चाचा कैसे खेल रहे हैं? अच्छा खेल रहे हैं, बहुत मस्त खेल रहे हैं, गेम भी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, ऐसी खेलते रहे, मैं कह रहा हूँ चाचू आप जीत के। ए तेरी ले भाई, चाचू को फुल सपोर्ट कर रहा छोटा सा लड़का। और इस साइड भाई, इस साइड भाई देखो भाई, जाट है, जाट है, जाट कितनी ना सोना करता, जब उसके दिल में आया ना तो धमाका दे दिया, तो बढ़िया करे, एक नंबर काम कर दिया गति बोले, जाट ना खड़ी कर दी खाट है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम करे, एक नंबर गति, और हम कति फुल सपोर्ट में है, और एक तरफा गेम कति पलट करेगा भाई कति। अरमान इन्फ्लुएंसर आए हुए आज, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई बहुत अच्छा लगा, और अरमान भाई एक तरफा गेम जीतेंगे, बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल ले, बिल्कुल तो बहुत सपोर्ट करे इन्फ्लुएंसर। और भाई धीरज भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे अरमान और कृतिका मैम के लिए?
भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और जीत पाओगे, बस और कहने की जरूरत ना है, विनर है। अच्छा देखो एक साइड कटारिया भी है, यारी दोस्ती निभाने की बात कर रहा है, तो विशाल और जब अरमान का मैटर हुआ था तो उसमें कटारिया का मैटर हुआ था बीच में, तो आप कुछ टॉपिक पर क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई देखो जो सही था अरमान भाई ने वो किया है, तो सही तो सही है भाई, बिल्कुल हम तो सही के साथ है। क्या लगा ट्रॉफी मलिक फैमिली में? आज के नहीं भाई आओगी, फुल सपोर्ट है भाई हमारा, तो बर्थडे आ गई हो तो भाई ट्रॉफी तो ये मान लो बिल्कुल आ गई। बिग बॉस विनर अरमान मलिक, कैमरामैन ने को घुमा के दिखा दी, इतनी भीड़ होगी, ट्रॉफी तो आनी बना है, और भी इन्फ्लुएंसर है बातचीत करेंगे। धीरज भाई बहुत बहुत धन्यवाद नंदे भाई, और इस साइड भी बैठे हुए ना भाई, इस साइड आ जाओ भाई, मैडम जी खाने आए हैं क्या, सपोर्ट करने आए? दोनों चीज खाएंगे तभी तो एनर्जी के साथ बोलेंगे चिल्लाएंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे, मतलब अरमान और कृतिका कैसे खेल रहे हैं आपकी नजर में? बहुत अच्छा खेल रहे हैं मेरे भैया भाभी, दीदी वैसे बोलती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी तक मतलब सबसे अच्छा बेस्ट प्रॉपर है गेम के तरीके से वही खेल रहे हैं जी, गेम को गेम समझ कर खेल रहे हैं। शिवानी भी खेल रही है तो कटारिया खेल रहे हैं? हाँ वो तो सभी खेल रहे हैं, कन्फ्यूज मत करो, सपोर्ट अरमान कृतिका कर रहे हो? हाँ, अपने बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा पायल मैम के लिए क्या कुछ कहना चाहो, इतना मैनेज कर, इतनी इन्फ्लुएंसर बुलाए? पायल दीदी के लिए सबसे पहले तो हेड्स ऑफ है कि अकेले बाहर इतना सब कुछ हैंडल कर रही है, अरमान भैया के ना होते हुए भी, तो वो बहुत स्ट्रांग है और ऐसी बनी रहेंगी, और जब ट्रॉफी आ जाएगी तब और ज्यादा सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएंगी। बिल्कुल भाई, इस चरण आप सब जानते हो, इंस्टाग्राम रील पे भाई छाई हुई है लड़की, और ब्लॉग बहुत कम डाल रहे हैं, ब्लॉग पे आगे से हैंडल करने के लिए आपको रखूंगे, फिर आराम से डेली ब्लॉग डालूंगा। मुझे है इसको मेरे पास यूट्यूब के लिए भी मैं बहुत ज्यादा ना इधर उधर रहती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी वापस। बिल्कुल, तो मैम आप क्या कुछ कहना चाहोगे अरमान और कृतिका के बारे में? नहीं मैं तो डेली बिग बॉस देख रही हूँ, तो अरमान भैया बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब गेम को बहुत अच्छे से और मेंटेन करके, और ऐसा नहीं कि डबल फेस होके नहीं खेल रहे बिल्कुल भी, जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स को मैं देख रही हूँ, पर नहीं मैं बिग बॉस के सारे एपिसोड देख रही हूँ तो मुझे ध्यान है कि मतलब अच्छे से खेल रहे हैं और डबल फेस नहीं हो रहे कि किसी को कुछ किसी को कुछ, अपना आगे चल रहे हैं, तो मेरी तो पूरी है होप उनके साथ कि जीत के ट्रॉफी लेके चंडीगढ़ आए, फिर हम चंडीगढ़ जाएंगे पार्टी करने वहाँ पे। अच्छा पंडित लिखे मैडम एक बात पूछूं आपसे, विशाल और अरमान का जो मैटर होया उसने बोला भाई भाभी अच्छी लग रही है, उसे थप्पड़ जड़ दिया, क्या कुछ टिप्पणी रखोगे आप? नहीं मेरी नजरों से पूछो ना जिनके आदमी हाँ, नहीं मेरी नजर में गलत था, क्योंकि यार किसी की भी वाइफ हो ऐसे बोलना गलत है, बाकी अरमान भैया का भी वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे वो भी है, बट जितना मेरी नजर में है कि हाँ विशाल ने गलत बोला, ऐसे किसी की भी वाइफ है किसी भी हस्बैंड के सामने बोलोगे तो गुस्से वाली बात तो है भाई, गुस्सा तो आएगा ही। तो जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, इस साइड देखो भाई चेहरा इसका परिचय कराने की भाई कोई जरूरत नहीं है, सब जाना है, पम्मी और प्रेरणा भाई नाम तो आप सब जानो, मैम प्रेरणा मैम पहले राम राम कर, राम राम जी राम राम, ऐसे हो बढ़िया। पहले मम दुख होया था एक बीच में, मतलब हो गया था एक्सीडेंट, हाँ नहीं नहीं आपको खाने नहीं देंगे हम, तो उस साइड चलेंगे भाई, मेरे साथ आ जाओ कैमरा मैन ने कहूँगा, एक मिनट ना। हाँ जी पम्मी भाई कैसे अब? बढ़िया है। अच्छा आज यहाँ पे पहुंचे इतने इन्फ्लुएंसर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे अरमान और कृतिका के बारे में? यार मेरा तो एक ही बात है, मैं भी अपने व्लॉग में भी मैं स्टोरीज भी लगाती हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं ये क्यों कर रहे हो ये कर रहे हो, तो मेरा तो यही अपना अपना है, मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस में कंटेंट ही हुई है। आपके कमेंट देखे भाई अरमान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑलरेडी समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यार वो दुनिया गलत मैसेज दे रही है, इतने लोग उल्टी सीधी वीडियोस बना रहे हैं, मैं नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, मुझे भी लोग बोलते हैं गलत वीडियोस बना रहे हो, मैं क्या करूँ, कहने वाले का क्या मुंह बंद करे, नहीं कर सकते यार, आप कितने बढ़िया हो ना इस देश में, तो सीता को ना जीन दिया तो फिर हम के हैं तो। क्या लगा मलिक फैमिली में ट्रॉफी आज का है? आनी चाहिए मेरा तो ये है, मैं तो सब मैं मतलब बिग बॉस देखने वाली नहीं हूँ, नहीं देखती, पर अब देख रही हूँ ये सीजन देख रही हूँ। आपकी बहन देख रही है ये पूरा, देखते हैं मेरे को बताते हैं क्या हो रहा है क्या चल रहा है, ले वो हुक्का भी आ गया ना, अरे मेरा नहीं है भाई ये भी है, मैं नहीं पीती, अरे ये नॉर्मल है सब चलता है आप, ना ना भाई हम ना पीते, हमारे तो घर के भाई टांगे झोंक देंगे। अच्छा बीच में जो मैटर हो रहा उसमें कमेंट आ रहे थे बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, इतने मतलब सपोर्ट करे आपको पति को, पहले आपको सपोर्ट करे थे प्रेगनेंसी में, इतना प्यारा मैसेज दिया आपने लोगों को भाई, एक भाई सुख दुख लगे हुए हैं सपोर्ट करो, तो आज क्या कुछ करो इतने पब्लिक प्यार दे रही, क्या कुछ कहना चाहोगे? यार मैं नहीं समझती थी अपने आप को कि मेरे फॉलोवर है कुछ है, पर जब ये चीज हुई ना मेरी गैन, जब मेरे को सच में लगा यार मतलब हॉस्पिटल में भीड़ लगना ये सब चीजें लगना, जब मुझे लगा कि हाँ सच में कोई चीज है, वरना मैं सोचती थी रील्स बना रहे हैं लाइक आ रहे हैं,
पैसा कमा रहे हैं बस ये इतना लगता था, पर अब ना इस चीज़ के बाद पता लगा है कि यार क्या सच में सोशल मीडिया का एक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैंने पहले सोच रहा था यार कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ये है वो है, तो तुम्हारे चैनल की वीडियोस उठा उठा के भी पोस्ट कर रहे हैंगे देंगे लोग फेमस है ना तुम्हारा चैनल, इसलिए मैडम का चेहरा ही फेमस है हमारा चैनल, तो चल मैडम का प्यार है। तो वही जो काफी जो सवाल है वो पर्सनल इंटरव्यू कराएंगे, तो मैडम जी जाते जाते क्या मैसेज दोगे? नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैसेज सारे जब हमारी आएगी पर्सनल, जब ये पे तो कहते खा पी लिया ना ना मैं खा खा रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे ऐसी बनाओ। अच्छा ओ देखो उस साइड, ओ भाई उस साइड देखो और इस साइड देखो, ये दोनों जुटे हुए हैं मियां बीबी। हाँ जी भाई क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई बहुत अच्छा खेल रहे अरमान भाई, और ट्रॉफी हारे चंडीगढ़ से, फुल सपोर्ट आपको, पूरा सपोर्ट। अच्छा भाई आप ये बताओ, जब विशाल और अरमान का मैटर हुआ था क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई यार वो इतना तो देखा ना था मैंने, बाकी सुना था। अच्छा आप देखते नहीं? बाकी ये देख रहा है कंटिन्यू। अच्छा पनीर को खा ले यार मुझे अब खाते खाते आ गए, खाते खाते आ गए भाई, बीच में दिक्कत कर दी, तो उस साइड कोशिश कराएंगे जाने की, एक बार आ जाओ मेरे साथ, कैमरा मैन ने कहूंगा आ जाओ।